भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की उदासीनता पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भागलपुर डेंगू बीमारी को लेकर हॉटस्पॉट बन गया है, वहीं हर दिन दर्जनों केस सामने आ रहे हैं, फिर भी जिला प्रशासन इस पर सख्त कदम नहीं उठा पा रही है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू बीमारी से कई लोगों के शहर में जान जा चुकी है। वहीं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की जर्जर व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जितने भी मरीज आ रहे हैं उसमें से लगभग अधिक लोगों को जमीन पर बिना चादर के सुला दिया जा रहा है और अस्त व्यस्त स्थिति में उनका इलाज किया जा रहा है, यह कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भागलपुर के लिए यह संकट का विषय है, कोरोना महामारी से भी बड़ा संकट फिलहाल डेंगू भागलपुर में पांव पसार चुका है। इससे निपटने के लिए बिहार सरकार के नगर विकास विभाग को और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी मुकम्मल रखने की बात कर रही है, तो वहीं इसका जायजा लेने सैयद शाहनवाज हुसैन मायागंज अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्होंने डेंगू के मरीजों से मुलाकात की और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। इस मौके पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जल्द से जल्द स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो, वरना अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। नहीं, हम लोग अभी देखकर आए हैं यहाँ पे व्यवस्था, क्योंकि ये नया वार्ड बना है तो यहाँ व्यवस्था ठीक है और बहुत मरीज की संख्या बढ़ गई और बेड कम है, तो कई जगह तो नीचे भी लटा के इलाज करना पड़ रहा है। बिहार सरकार को वॉर फुटिंग पर भागलपुर की चिंता करनी चाहिए। खुद स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को जरूर भागलपुर का दौरा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पैनिक है। इतने मरीज मिल रहे जितने बिहार में मिल रहे हैं उतने अकेले यहाँ मिल रहे हैं। एकदम डेंगू का विस्फोट हो गया यहाँ, तो सबको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। क्या कारण लगता है सर भागलपुर में? कारण हम डॉक्टर थोड़ी हैं। भागलपुर में क्यों डेंगू फैल रहा है? क्या वो तो डेंगू की वजह जो है वो वही है कि पानी के जमाव से ही होता है, और नगर निगम ने बहुत बढ़िया काम नहीं किया। तिलका माझी कुपा घाट के बहुत मरीज मिले वहाँ, इसका मतलब ये है कि उस एरिया में ज्यादा फैला हुआ है। नगर निगम में सर आपकी राजनीति में लोग जो है डेंगू के शिकार हो रहे हैं, इसको नहीं, एकदम नगर निगम, नगर जो आयुक्त है उनको चाहिए कि एकदम वार फुटिंग पे जैसे सफाई होती है G20 टाइप का, वैसा करना चाहिए। देर शाम शहीद गौतम यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव नवगछिया के तिनटंगा दियरा लाया गया। हजारों की संख्या में लोग गौतम यादव को देखने के लिए उमड़ पड़े। सबकी आंखों में आंसू थे, बच्चे बूढ़े जवान सबने गौतम यादव अमर रहे के नारे लगाए। ढोल नगाड़े के साथ देशभक्ति के गीत भजन के साथ शव यात्रा निकाली गई। शहीद गौतम यादव को तिनटंगा के ही जहाज घाट पर उनके छोटे भाई सौरभ ने मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। हम आपको बताते चले कि शहीद गौतम यादव तिनटंगा दियारा निवासी अरुण यादव के पुत्र, आर्मी रेजिमेंट के 19वीं बटालियन के पटियाला पंजाब में देश के लिए सेवा दे रहे थे, जहां अहले सुबह पीटी करने के दौरान अचेत होकर वो गिर गए, जिसके बाद उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। परिवार वालों को जब इस बात की जानकारी मिली तो घर में मातम पसर गया। उनकी पत्नी रश्मि व माँ ललिता देवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की जानकारी गांव में कानों कान फैलती गई और पूरा गांव शोक में डूब गया। गौतम यादव की शादी बीते साल के दिसंबर महीने में कटिहार जिले के जयनगर गांव में हुई थी। शहीद गौतम यादव का एक बड़ा तो एक छोटा भाई भी है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक स्थित आबकारी गोदाम के निकट का है, जहां आरोपियों के द्वारा 30 अगस्त की शाम लाजपत पार्क में खेलने के दौरान 12 वर्षीय करण कुमार का प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। इसकी जानकारी मिलने पर पीड़ित करण के पिता रमेश दास जब आरोपी खरमनचक निवासी सुमित कुमार गौतम विकास के पास बोलने गए, तब उन लोगों के द्वारा पीड़ित बच्चे के पिता के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया गया। साथ ही उनके पॉकेट से 5,000 रुपये भी जबरदस्ती निकालकर यह कहा गया कि शिकायत लेकर जहां जाना है जाओ, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घटना घटी यही चीज की, मतलब जो है कि मेरे बच्चे के साथ इस तरह बात हुई। क्या हुई? ये मतलब जो पेशाब का रास्ता जो काट दे, ब्लेड मार दिए। कौन? ये गौतम कुमार काटे। कौन है ये? ये जो है ये उसका भेगना जो है सुमित कुमार बोला के ले गया 3-4 बार बच्चे को, उसके बाद जो नहीं जा रहा था वहाँ पे घींच के ले गया, उसके बाद उसका मामा गौतम कुमार ने उसका काट दिया। उसके बाद जो हम गए वहाँ पे, जब बोलने अपने घर में बोल रहे थे कि बच्चा बुतरु सबको संभाल के रखो, बच्चा सब तो एक ही जगह रहेगा खेलेगा, लेकिन वो मेन अति हो जाता, लेकिन बड़ा आदमी इस तरह कर दिया तो हम तो पुलिस प्रशासन का सहारा ही लेंगे। हम गए थे आदमपुर थाना, गए फुटेज को आपको जो सीसी कैमरा को देखा जाए, हम वहाँ गए कि नहीं, दो बार दिख गए। क्या बोला गया? बोला कि मतलब हम देखेंगे, लेकिन आज तक जो है 30 तारीख के बाद अभी एक भी दिन नहीं है इंक्वायरी में टीम कुछ नहीं। उसके बाद घर घुस करके जो मेरे बीवी बच्चा परिवार हमारे साथ में मारपीट किया, घर घुस कर गौतम कुमार किया, विकास कुमार किया, टुन्ना मंडल किया, उसके बाद ये सुमित कुमार मम्मी बहन सब पूरा परिवार आ गए थे मेरे घर पे। हम एसपी के पास भी गए थे, एसपी साहब के पास हम गए, चार तारीख को वहाँ पे अति दिए, आवेदन दिए, बोले कि ठीक है जो कि हम छानबीन इसका करेंगे, लेकिन 4 तारीख देने के बाद आज तक जो पुलिस प्रशासन को इसका एक्शन नहीं लिए। 31 तारीख की है और मायागंज में हम इसका जो इलाज कराएँ, उसके बाद वहाँ पर सिलाई कराएँ, और उसके बाद हम 9/5 को हम वहाँ से रिलीफ हुए हैं। जी हम वहाँ पे भी गए थे, तो वहाँ पे बोले कि आपका जो बगल में जो थाना है आप उससे सहारा लीजिए, हम जो है वहाँ पे नहीं लिए। तो उसके बाद जो है थाना पे गए, हमको कोई रिसीविंग नहीं दिया, आवेदन रख लिया, कोई रिसीविंग नहीं दिया, बोले हम देखेंगे। उसके बाद अगला आदमी बोला कि हम देख लेंगे, तुमको जितना जो थाना जाना जाओ देख लेंगे, थाना मेरे पॉकेट में है। ये बोला टुन्ना मंडल जी, ये उसका विकास, ये गौतम सबका पापा है। उसका हम गए और हम नहीं जा रहे थे, हम सोए हुए थे, उसका मामा मतलब पुच्चू आया हमको लेके घींच के गया। पुच्चू को नहीं, उसका भगना। अच्छा किसका? पुच्चू कुमार, इसका गौतम कुमार। अच्छा क्या हुआ फिर उसके बाद? हम गए ना पार्क तो उसका मामा काट दिया, हम टॉयलेट कर रहे थे। क्या बोला? बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, लिया क्या नहीं ब्लेड ऐसे करके मार दिया। टॉयलेट करने गए थे? कौन सा पार्क में? लक्ष्मण पार्क। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम गए फिर उसके बाद खून हल्का हुआ, फिर घर आए, फिर हमको डर लगने लगा था इसी घर में। 2-3 दिन के बाद काटा कौन? धमकाया भी। क्या बोला? धमकाया क्या बोला? बोला कि मेरा पापा पुलिस है, अगर तुम झूठ बोलेगा ना, अगर घर में बोलेगा तो हम तो तुम्हारा मतलब पापा को अरेस्ट करवा लेंगे। अच्छा। हालांकि मामले को लेकर पीड़ित करण कुमार के पिता रमेश दास ने जोगसर थाने में भी आवेदन दिया और एसएसपी कार्यालय में भी आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, पर उन्हें कहीं से कोई न्याय की आस नहीं दिखाई दे रही है। तब थक हार कर आज पीड़ित के पिता ने पत्रकारों से अब न्याय की गुहार लगाई है। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग मंत्री व जदयू नेता मदन सहनी आज भागलपुर पहुंचे, जहां उनका जदयू के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इस मौके पर मदन सहनी ने भागलपुर सुल्तानगंज में होने वाले कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम को लेकर व भारतीय जनता पार्टी द्वारा जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की बात को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम में कई विषयों पर जनता के बीच सीधे संवाद होगा। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में अनेकों काम किए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार कई योजनाओं पर पाबंदी लगा रही है, उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो योजना चलाई है, चाहे वह पंचायत स्तर की हो, नगर निकाय स्तर की हो, उस पर केंद्र सरकार जो कटौती कर रही है उस पर भी विस्तार से वार्ता की जाएगी।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, परिवहन योजना, बालक बालिका साइकिल योजना जैसे कई अन्य योजनाओं पर भी बातचीत होगी। प्रेस वार्ता के दौरान समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, भागलपुर सांसद अजय मंडल, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, लक्ष्मीकांत मंडल, भागलपुर के जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, भागलपुर जदयू शाखा के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती के अलावे जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विधानसभा का ठीक है कर्पूरी ठाकुर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें स्थानीय नेता के रूप में कसाब प्रवीण जी, अजय मंडल जी, माननीय सांसद महोदय, लक्ष्मीकांत मंडल जी और ललित नारायण मंडल जी जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, हमारे जिलाध्यक्ष और सभी पार्टी के साथी वहां उपस्थित होंगे, हजारों कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। उस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग जो बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेकों काम किए गए हैं, सभी लोगों के लिए किए गए हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको उपस्थित होना है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो विभिन्न तरह का योजना चलाया गया है, पंचायत के अंदर और नगर निकाय के अंदर जो आरक्षण मिला है और केंद्र सरकार के द्वारा जो आरक्षण में कटौती की जा रही है, साजिश की जा रही है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और खास करके जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाए गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये तमाम तरह का बड़े स्कीम है जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और इस चर्चा के माध्यम से हम लोग जरूर संदेश देना चाहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरह बिहार के अंदर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को मजबूत करने का काम किया और उस मजबूती को और आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और केंद्र की जो साजिश है उसको हम लोग बेनकाब करने का काम करेंगे। केंद्र जो जिस तरह से हम लोग को, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह हम लोग को न्यायालय में जाकर के अपने लोगों को खड़ा करके और जो जातीय गणना में अवरोधक बनने का काम कर रहे हैं उसको भी हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में उसमें देश से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। ये तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज विस्तार से इस सम्मेलन के माध्यम से चर्चा करके अपने लोगों के अंदर संदेश देने का काम करेंगे और यह संकल्प हम लोग लेंगे कि आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इस देश से बेदखल करेंगे और जो इंडिया गठबंधन बना है उसके माध्यम से एकजुट होकर के हम लोग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तहत तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज भागलपुर सिविल कोर्ट में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, शहर के गणमान्य चिकित्सक व शिक्षाविद मौजूद थे। भागलपुर में केस निष्पादन के लिए कुल 25 बेंच बनाए गए, जिसमें भागलपुर सदर में 17, कहलगांव में 2 और नवगछिया में 6 बेंच बनाकर कई वादों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामलों के अतिरिक्त एप्लीकेशन स्तर पर बैंक लोन रिकवरी, वित्तीय संस्थाओं के मामलों के अलावा कई आपसी सुलह समझौता निःशुल्क कराए गए। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि इसके लिए हम लोगों ने 1 सितंबर से लगातार जागरूकता रथ भी निकाला था। वह रथ लोगों को गांव-गांव जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने केस के निष्पादन करने को लेकर उन्हें जागरूक करने का काम कर रही थी। हम लोगों ने कई नोटिस भी जारी किए थे। वहीं भागलपुर समेत नवगछिया और कहलगांव में कई वादों को लेकर आज केस का निष्पादन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले का निष्पादन बिल्कुल निःशुल्क किया गया। भागलपुर के कई विद्यालयों में बस की सुविधा तो है, लेकिन कई विद्यालय संचालकों के पास उस बस के पूरे कागजात नहीं है और यातायात नियमों का अगर अब पालन नहीं कर रहे हैं तो उस विद्यालय संचालक पर गाज गिरना तय है। इसको लेकर आज डीटीओ जनार्दन कुमार व एमबीआई निशांत कुमार के नेतृत्व में सभी स्कूलों के संचालकों के साथ एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यातायात के 19 नियमों का पालन करना निहायत जरूरी होगा।
अगर बस में सीट से अन्य बच्चे को बैठाया गया या फिर कागजात में कमी रहती है या बस के चलते सड़कों पर यातायात सुविधा में बाधा आती है और बच्चों के लिए अगर फर्स्ट एड बॉक्स या पानी की सुविधा अगर बस में नहीं है तो इस पर विद्यालय संचालक पर केस दायर हो सकता है। इसको लेकर किस तरह सुगमता से विद्यालय की बस भागलपुर शहर के सड़कों पर चले उन कई बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई। वहीं डीटीओ जनार्दन कुमार और एमवीआई निशांत कुमार ने मौजूद स्कूल के संचालकों से कहा कि जो भी यातायात के 19 नियम हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें अन्यथा विद्यालय संचालक पर कार्रवाई तय है। इसमें बाल परिवहन का जो हमारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका 19 बिंदु है लगभग मुख्य रूप से, उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें ये लोग। और दूसरी है कि अगर ये लोग उस बिंदु में अनुपालन नहीं सुनिश्चित करते हैं तो हम लोग उच्च अधिकारी को विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ लिख करके देंगे कि भाई इनके द्वारा इन इन बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो फिर उन पर उच्च अधिकारी के द्वारा या जो भी होगा वहाँ से कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। सर, स्कूल प्रबंधन द्वारा क्या कुछ मांग की गई सर मीटिंग में? दो तीन बिंदु इन लोगों का है कि जो हम लोग का जो स्कूल बंद जिसमें होता है जिसमें बच्चे आप बैठते हैं विद्यालय निकलते हैं उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या होती है, तो उसमें ट्रैफिक का स्थानीय स्तर पर स्थानीय थाना वगैरह हो इस ट्रैफिक की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त किया जाए। और दूसरा था कि जो कुछ मनचले आसपास में रहते हैं उन पर भी थोड़ा सा नियंत्रण किया जाए ये। और तीसरा जो मुख्य मांग था कि जो बाहरी गाड़ियाँ चल रही हैं जिनके गार्जियन बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं उन पर गार्जियन को थोड़ा सा ये किया जाए, सेमिनार हम लोग करेंगे और आपके मतलब मेरे माध्यम से उनको कुछ संबोधन किया जाए। तो इसके लिए मैं बोला कि ठीक है आप जब भी बैठक कीजिए उन लोगों का मैं आ करके उनको बताऊँगा क्या क्या करना है नहीं करना है। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था कि इस बैठक का कि ये जो बाल परिवहन व्यवस्था इसको सुदृढ़ करना चाहते हैं।